पंजाबी गायक मनकीरत औलख ने सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नूं लैके एक बार फिर सफाई दित्ती है। उन्हां कहा कि रब जानदा है मैं किसी माँ तो उसका पुत्र खोना तो दूर की गल, मैं ये सब सोच भी नहीं सकता। औलख ने कहा कि मैनू एक साल तो लगातार धमकियां मिल रही ने। औलख पहला भी स्पष्ट कर चुके ने कि उसका कोई भी मैनेजर कतल में शामिल नहीं सी। इस तो बाद मनकीरत औलख की एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई जिस विच वह रोपड़ जेल च शो दौरान मनकीरत ने गैंगस्टर लारेंस नू अपना दोस्त ते भरा दस्या सी। मनकीरत औलख ने लिखा मैनू कोई जिन्ना मर्जी माड़ा बनाउंदा रहे किन्निया भी झूठियां खबरां फैलाईयां जाण मैं किसी माँ तो उसका बेटा खून बारे सोच भी नहीं सकता। मैनू एक साल तो धमकियां मिल रही ने। यह कोई सधारण गल नहीं, अजिहे संवेदनशील माहौल विच हर रोज मानसिक ते शरीरिक तौर ते जी रहे ने। जेकर मैं अजिहे संवेदनशील माहौल विच खुद नू बचाउण लई अलग कर लिया तां इस विच गलत की कीता। इस दी तह तक पहुंचे बिना किसी नू दोषी ना बनाओ। मनकीरत औलख ने एक वीडियो जारी किया है जो किसी इवेंट दी है। सिद्धू दी मम्मी साडी आंटी किथे माता साडी माता पहुंची आ सासिका माता हांजी एक बारी सारे मेक सम नॉइज। चलो जी भाई ऐ कर सिद्धू दा गाना ला दे टक्का ठीक है। मूसेवाला दे कतल च दविंदर बबीहा गैंग ने औलख नूं घसीटिया है। बबीहा गैंग दा कहना है कि औलख गैंगस्टर लारेंस दा करीबी है। वह पंजाबी गायकां बारे गैंगस्टर नूं खबरां दिंदा है। इस कतल विच मनकीरत दा हाथ है। यही गल गौंडर गैंग ने भी कही सी जिस तों बाद मनकीरत औलख ते सवाल उठ रहे सन। उसके मैनेजर से भी कतल की साजिश में शामिल होने का दोष सी। हालांकि मनकीरत ने इसनू झूठ दस्या सी। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब 9।